हाय एवरीवन, वेलकम टू सीआईजेड प्लस। जैसा कि आपको पता है, पंचायती राज जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली है पंजाब में, सो हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप कर रहे हो हमारे साथ सीआईजेड प्लस पे, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सीआईजेड प्लस के पोर्टल पे, राइट? सीआईजेड प्लस आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा है, टेक्निकल एज वेल जनरल एप्टीट्यूड एज वेल, राइट? सो मैं आज आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिनका वेटेज 10 मार्क्स का है आपके जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए, जो पंचायती राज में पोस्ट निकली है। सो हम करेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चंस, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। और एक और चीज़, आपने अब तक सीआईजेड प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, सो दैट आपको हर रोज नोटिफिकेशन आते रहे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस जो आ रहे हैं, आप उसके साथ साथ सारी प्रिपरेशन अपनी करते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस एंड मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, and a one-to-many correspondences between high-level language instructions and machine language instructions. Another option kya hai? There is one-to-one correspondence between assembly language instructions, machine language instructions, and one-to-one correspondence between high-level language instructions and machine language instructions. So, is question ke options se hume ye pata lag raha hai ki ye languages ki इंटर रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो हमें बेसिक पता होना ज़रूरी है उसके लिए, तो मैं आपको इसके लिए पहले बेसिक बता देती हूँ तीनों लैंग्वेजेस का, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, राइट? तो क्या है इसका बेसिक? तीनों लैंग्वेजेस क्या होती हैं वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। मशीन लैंग्वेज होती है एक, राइट, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तीनों लैंग्वेजेस ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझता है, राइट? सो हम प्रोग्रामिंग जो है कंप्यूटर को समझाने के लिए हर लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग किस कंप्यूटर किस में समझेगा? मशीन लैंग्वेज में समझेगा। सो तीनों लैंग्वेजेस की बेसिक स्पेसिफिकेशन है ये दोनों लैंग्वेजेस, राइट? असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज हार्डवेयर स्पेसिफिक होती है, एंड हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं, राइट? सो मशीन लैंग्वेज मैंने आपको बताया, ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। ये बाइनरी होती है, 1s 0s की फॉर्म में, राइट? बाइनरी फॉर्म में होती है जो कंप्यूटर समझता है। असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, इसको इसलिए बनाया गया सो दैट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने मशीन लैंग्वेज को एक असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करी, सो दैट हम उसे फिर कन्वर्ट कर सके मशीन लैंग्वेज में, सो दैट कंप्यूटर समझ सके, और असेंबली लैंग्वेज फॉर ह्यूमन बींग, कि ह्यूमन समझ सके कि प्रोग्रामिंग किस फॉर्म में हो रही है, टू सिंप्लीफाई द प्रोग्राम, राइट? इसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया? मूव, ऐड, सब, इट्स अ बेसिक लैंग्वेज। एंड असेंबलर क्या होता है? असेंबलर वो होता है कि जो आपकी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है फॉर कंप्यूटर। सो असेंबलर वर्क्स फॉर अस टू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द असेंबली लैंग्वेज बाय कन्वर्टिंग इट टू मशीन लैंग्वेज, राइट? अब हम थर्ड लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? अगेन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें मल्टीपल चीज़ें यूज़ करी गई हैं। क्या? इंग्लिश भी होती है, मैथमेटिकल टर्म्स भी है, प्लस माइनस परसेंटेज, राइट? एवरीथिंग इज एस्ट्रिक। तो ये सब एलिमेंट्स को ऐड करके एक लैंग्वेज बनाई गई, सो दैट मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक लैंग्वेज बने प्रोग्रामिंग करने के लिए फॉर ह्यूमंस, एंड देन दिस लैंग्वेज गेट्स कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। सो व्हाट कंपाइलर डज, आपको ये बेसिक टर्म्स भी मैं इसके साथ बता रही हूँ, दो आपको एक क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, बट स्टिल इफ़ यू गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू असेंबलर एंड कंपाइलर,
यू कैन डू दैट राइट. सो कंपाइलर में क्या है, कंपाइलर इज द कंपाइलर हेल्प्स यू टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज सो दैट कंप्यूटर उसको समझ सके. उसके लिए हमने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर को यूज़ किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज से नेक्स्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए. तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में हमें था वन टू वन एंड वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट. वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है कि असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट जब करता है असेंबलर तो इट्स लाइक अ वन टू वन ट्रांसलेशन. हमने बहुत बेसिक लैंग्वेज बनाई है इसको तो मशीन लैंग्वेज में व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड तो इट इज़ वन टू वन लैंग्वेज एंड वी कैन ईजली कन्वर्ट बैक मशीन लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज अगेन राइट. बट जब हाई लेवल लैंग्वेज की बात आती है तो हाई लेवल लैंग्वेज में मल्टीपल कमांड्स का मशीन कोड गेट्स कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज राइट. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट बैक द मशीन लैंग्वेज में जो कोड कन्वर्ट कर लिया हमने हाई लेवल लैंग्वेज कोड को उसको वापस हम कन्वर्ट बैक नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ ब्लॉक ऑफ द कोड विच हैज़ मल्टीपल कोड्स विच कंटेन इन अ ब्लॉक गेट्स कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज राइट. सो इट इज़ वन टू मैनी. सो हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं. क्या था हमारा क्वेश्चन, देर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू राइट. देर इज वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज राइट. जो अब तक हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट उससे दिस कंडीशन गेट्स सपोर्टेड राइट. एंड वन टू मैनी कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एंड मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन दिस इज अगेन राइट. बट हम और ऑप्शन भी देख लेते हैं. देर इज वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज दिस इज द सेम. एंड वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन हाई लेवल एंड मशीन लैंग्वेज, नो, हाई लेवल एंड मशीन लैंग्वेज डजेंट हैव वन टू वन राइट. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. मैनी टू वन बिटवीन असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज दिस इज अगेन रॉन्ग. सो हमें कंटिन्यू में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगेन मैनी टू वन फॉर असेंबली लैंग्वेज instructions and machine language. So the three options are wrong. So the answer for this question is this, right? So hamara isse ye first question complete hota hai. Let's move to next question. Ye question aapke junior engineer ke exam mein aaya Punjab mein Puda mein 2015, right? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ एन एट्रीब्यूट ऑफ डाटाबेस टेबल कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज दैट टेबल ऑटोमेटिकली वॉयलेट्स विच नॉर्मल फॉर्म चूज द लोएस्ट वन राइट. डाटाबेस में मल्टीपल वैल्यूज अगर एट्रीब्यूट की होती हैं तो वो कौन सा नॉर्मल फॉर्म को वॉयलेट करता है बट यू हैव टू चूज द लोएस्ट वन राइट. इसके लिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देती हूँ. क्या है वो कॉन्सेप्ट, लाइक एंटिटी और एट्रीब्यूट का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लो. क्लास में बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं तो क्लास क्या है, एक एंटिटी है
और दोनों इसके एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। दिस इज अ इजी एग्जांपल जिससे आपको एट्रीब्यूट और एंटिटी में डिफरेंस पता लगेगा। एंटिटी होती है लाइक जिसके अंडर आप वेरिएशंस बताते हैं कि इस एंटिटी के अंदर क्या क्या है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसके, बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं। सो एट्रीब्यूट्स बॉयज़ और गर्ल्स हो गया, क्लास हो गया एंटिटी, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, सो वन नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, वन नॉर्मल फॉर्म कहती है कि आपके एक ये क्या है, आपके अगर एक सेल के अंदर मल्टीपल टर्म्स नहीं होनी चाहिए, राइट। जैसे आपका एम्प्लॉय आईडी हुआ 01A2, एम्प्लॉय नेम हुआ कैरल, देन द फोन नंबर इज 2784657856, राइट, एंड द अनदर एम्प्लॉय इज 01B2 एंड द नेम इज रोहन एंड द फोन नंबर इज 78926। तो इस सेल के अंदर जब हमने एक एट्रीब्यूट को मल्टीपल वैल्यूज दे दी, सो इट इज अ वन नॉर्मल फॉर्म डिफेक्ट। नॉर्मैलिटी सेज कि एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू हो सकती है एट्रीब्यूट की। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इफ एन एट्रीब्यूट ऑफ अ डाटाबेस टेबल कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज दैट टेबल ऑटोमेटिकली वॉयलेट्स विच नॉर्मल फॉर्म, वन नॉर्मल फॉर्म, एंड द नॉर्मल फॉर्म शुड बी द स्मॉलेस्ट वन। सो वन NF को ये वॉयलेट करता है कि एक सेल के अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू वन ही होनी चाहिए, दो वैल्यूज हम एट्रीब्यूट को नहीं दे सकते। तो ये क्वेश्चन आपका कब आया, जूनियर इंजीनियर पंजाब में पुड्डा में 2015, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, इन द रिलेशनल डाटाबेस मॉडल कार्डिनालिटी इज टर्म्ड एज नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। सो टपल्स किस कार्डिनालिटी क्या होती है, कार्डिनालिटी इज टोटल नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि कार्डिनैलिटी होती क्या है, एंड रोज को हम टपल्स भी बोलते हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, नंबर ऑफ टपल्स, बिकॉज कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोज होती है, एंड रोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टपल्स। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नंबर ऑफ टपल्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है ये, द लॉजिक फैमिली हैज द लोएस्ट प्रोपगेशन डिले एंड थस कंप्राइजेस द फास्टेस्ट लॉजिक सर्किट्स। ऑप्शंस हैं TTL, CMOS, ECL, LSI। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सो हमें लोएस्ट प्रोपगेशन डिले पूछा है, सो दैट सबसे फास्टेस्ट PCB में कौन सी लॉजिक फैमिली वर्क करती है ये पूछा है। सो इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ECL इज हैज द लोएस्ट प्रोपगेशन डिले, TTL हैज 10, NS दिस हैज, CMOS हैज 100 NS एंड ECL हैज 1 NS। सो द लोएस्ट प्रोपगेशन डिले इज फॉर ECL। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B, that you have to memorize. Next question देखते हैं।
इन एम एस वर्ड वॉट इज गटर मार्जिन? मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन वेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू राइट मार्जिन वेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज वेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज वेन प्रिंटिंग. सो वॉट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? गटर मार्जिन तो सबको पता होगा, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. क्या होता है गटर मार्जिन? गटर मार्जिन इज अ मार्जिन गेट सिलेक्टेड. आप कस्टमाइज कर सकते हैं एमएस वर्ड में मार्जिन फॉर व्हाट पर्पस. जब आपको अपने डॉक्यूमेंट को बाइंड कराना हो तो वो क्या करेगा, आप सिलेक्ट करोगे मार्जिन को, गटर मार्जिन सिलेक्ट करोगे, उसमें आपको रो साइड साइड से या फिर अपर साइड से, टॉप ऑफ द साइड राइट साइड और टॉप साइड से आपका मार्जिन एक्सटेंड कर देगा, सो दैट आपका डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है वो कटे नहीं व्हेन यू गेट इट बाइंडेड. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग. सो व्हाट इज द आंसर? लेफ्ट मार्जिन में चाहिए हमें, राइट में चाहिए, बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज में चाहिए, या दैट इज एडेड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग. सो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? वी नीड द मार्जिन साइड ऑफ द पेज, पेज की साइड में चाहिए हमें प्रिंटिंग के लिए, सो दैट हम उसको इजिली प्रिंट करा दें, कंटेंट हमारा कटे ना. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. CPU scheduling, aging is a technique. चार ऑप्शन गिवन है, क्या ऑप्शंस हैं? टू फेज आउट ओल्ड डिवाइसेस इन कंप्यूटर सिस्टम, ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ जॉब्स दैट वेट इन द सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूज्ड इन इवैल्यूएटिंग नॉर्मल टियर एंड वियर ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस, ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ जॉब्स दैट वेट इन द सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इसके लिए आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ. CPU scheduling क्या होती है? We do the scheduling of the computer को बहुत सारे टास्क करने होते हैं, right? बहुत सारे टास्क की हम प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, उसको हम CPU scheduling बोलते हैं. That we schedule the priority of the task जो कंप्यूटर को प्रोसेस करने है, कि पहले ये वाला, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, right? तो जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे टास्क होता है उसको हम उसकी उसका उसको जब उसका नंबर नहीं आता है प्रोसेस होने का, कंप्यूटर ऊपर वाली प्रोसेसेस को प्रोसेस कर रहा होता है, सो दैट लास्ट, इफ वी से इट इज 1 to 4, राइट, 1 2 3 4, देन फोर्थ इज अ लोएस्ट प्रायोरिटी. तो इसको क्या होता है, स्टार्वेशन आ जाती है कि इसकी टर्न ही नहीं आई प्रोसेस होने की. सो व्हाट वी डू, हम इसको एजिंग दे देते हैं. एजिंग इज इसकी प्रायोरिटी इंक्रीज कर देते हैं, सो दैट कंप्यूटर इसकी प्रायोरिटी उठा सके, इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी से थोड़ी प्रायोरिटी फिर से बढ़ा देते हैं. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एजिंग. उस टेक्निक को एजिंग कहा जाता है जिसमें हम प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस की प्रायोरिटी बढ़ा देते हैं, सो दैट उसको स्टार्वेशन ना हो, उसका भी प्रोसेस हो सके. That all comes under CPU scheduling. So the answer for this question is, as we have read all the options, so क्या answer होगा आप बताइए? Gradually increasing the priority of jobs that wait in a system for a long time, right? Decreasing तो हो नहीं सकता, as I told you, it is increasing the priority, and evaluating भी नहीं हो सकता. So the answer is gradually increasing the priority, right? So यहाँ पे आपके आज के questions complete होते हैं. Thank you for watching the video and please do subscribe the channel if you haven't subscribed and like the video. Keep watching with me and keep learning. Thank you.